हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा अपने चैनल सीखो जिंदगी से। फ्रेंड्स, आप मैंने पिछली वीडियो में आपको ये स्क्वायर का डिज़ाइन बताया था, क्रोशिए का तो बनाना बताया था। तो अब मैं इस वीडियो में आपको इसको जोड़ना बताऊंगी, और जोड़ने के इसके बहुत से फ़ायदे हैं। आप इसको कहीं भी कुछ भी बना सकते हो, इसका कोई लेडीज़ जैकेट भी बना सकते हो और बेडशीट बना सकते हो, छोटे बच्चे का कुछ भी बना सकते हो। आप जिस चीज़ में भी अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसको बना सकते हो, और जोड़ने का तरीका भी इसका बहुत सिंपल है और इजी है। तो वीडियो पूरी देखना, तभी आपको समझ आएगा। ये देखिए, तो आइए सीखते हैं कैसे जोड़ना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने जैसे ये एक पीस बना लिया, और दूसरा पीस मैंने जो मेरा लास्ट का चक्कर है, यहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाती हुई गई हूँ। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ कोने में, ये देखिए। तो मैं इसको नहीं बनाऊँगी, मैं इसके साथ ही जोड़ते हुए बनाऊँगी इसको। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने चार डाले थे, तो तीन और एक चार, ये मेरे चार हैं। तो मैं एक चैन लूँगी यहाँ, एक चैन लेने के बाद तो ये मेरा सीधा सीधा है ये दोनों तरफ का, तो उस तरफ का जो ये कोना है इसमें मैं सिंगल क्रोशिया डालूँगी और दो का एक कर दूँगी, ये देखिए, ठीक है। और फिर मैंने चैन लेनी है एक, और डबल क्रोशिए से फिर मैंने चार बनाने हैं। ये देखिए, चार बनाए, और फिर मैंने एक की चैन लेनी है, और मैंने दूसरी तरफ, ये देखो, यहाँ यहाँ पे मैंने, यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिए को दो का एक बनाना है। और फ्रेंड्स, मैंने इसमें ध्यान देने वाली एक बात है, इस तरफ का आपका बना हुआ नहीं है तो इस तरफ डबल क्रोशिए में ये डिज़ाइन बनेगा, उस तरफ सिंगल क्रोशिया आएगा। तो फिर हम क्रोशिया डबल करेंगे, पहले एक चैन लेंगे, क्रोशिया डबल करेंगे, और जैसे भी हमारा डिज़ाइन है हम बनाते जाएंगे, ये देखिए। और एक चैन लूँगी फिर उसमें, ये देखिए, इनमें ऐसे डालती जाऊँगी, एक चैन लूँगी और डबल क्रोशिया लूँगी और इसके ऊपर डालती ही जाऊंगी, क्योंकि ये हमारा बनने वाला हिस्सा है। और यहाँ पे मैं एक चैन लूँगी, ऐसे ही आप पूरे में एक चैन लेके और सिंगल क्रोशिए से पीछे और डबल क्रोशिए से इस साइड जो आपके हाथ में हो, यहाँ पे इसको जोड़ते हुए जाना है। फिर एक चैन लेके उस तरफ से सिंगल क्रोशिया डालूँगी, और एक चैन लेके डबल क्रोशिया करूँगी और इसके ऊपर डालूँगी, ये देखिए, ये हमारा साथ साथ बनता हुआ जा रहा है राउंड। तो एक चैन लूँगी और सिंगल क्रोशिया बीच में डालूँगी दूसरी इसमें, और फिर एक चैन लूँगी और डबल क्रोशिया से इसके ऊपर डालूँगी, ये देखिए, जुड़ने के बाद ये ऐसे दिखाई देगा, ये देखिए। तो अब फिर एक चैन लूँगी और सिंगल क्रोशिया पीछे वाली डिब्बी में ऐसे दो का एक करूँगी, और फिर एक चैन लेके डबल क्रोशिया करके मैं अपने डिज़ाइन बनाते हुए जाऊँगी। ये हमारा लास्ट का चक्कर है फ्रेंड्स, ये देखिए। और फिर मैं एक चैन लेके पिछले वाले में सिंगल क्रोशिया करूँगी और आगे वाले में एक चैन लेके डबल क्रोशिए से इसको बनाऊँगी। फिर मैं एक चैन लेके सिंगल क्रोशिया पिछले वाले में और एक चैन लेके आगे वाले में, अब एक चैन लेके पीछे वाले में सिंगल क्रोशिया और एक चैन डबल क्रोशिया लूँगी अब आगे वाले में,
और यहाँ पे चार बनाऊंगी क्योंकि लास्ट में आ गए हैं हम। ये देखिए, ये देखिए, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसे हमारी ये जुड़ती हुई जाएगी। अब मैंने एक सिंगल क्रोशिया, नहीं सॉरी, एक चैन लेनी है और पीछे वाले ये दिखाई दे रहा जो, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। और अब मैं, ये मेरी डिब्बी ऐसे दोनों जुड़ गई हैं, ये देखिए। अब मैंने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ कुछ नहीं करना और यहाँ अपना बनाते हुए यहाँ पे जोड़ना है, जो मेरा आधा हुआ, आधा रह गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये तो हमारा जुड़ गया है, तो अब यहाँ मैं एक चैन लूँगी और यहाँ हमारे चार हैं और चार डलेंगे तो चार बनाऊँगी, दो तीन चार डबल क्रोशिए से, और दो की चैन लेके, और जैसा भी हमारा डिज़ाइन है, डिज़ाइन आप मेरी पिछली वीडियो में देख लीजिए अगर आपको समझ ना आ रहा हो। वैसे दो चैन फिर लेंगे, डबल क्रोशिए से इसके अंदर, ये देखिए। अब मेरा लास्ट में आएगा, दो चैन लूँगी और सिंगल क्रोशिए से यहाँ जोड़ दूँगी इसको, ये देखिए, ऐसे सिंगल क्रोशिया निकाल दूंगी। ये देखिए, ये देखिए, तो ये मेरा पूरा आ गया ऐसे बन के। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई फ्रेंड्स, तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो दोबारा। और ये बचा हुआ धागा आप ऐसे क्रोशिया डाल के और धागे को ऐसे ऐसे क्रोशिया खाली डाल के इस धागे को आप इसके अंदर ही डाल सकते हो ऐसे, और जो थोड़ा बचा हुआ है उसको आप कैंची से ऐसे काट दीजिए। ये देखिए आपका जोड़ने का तरीका। अब फ्रेंड्स हम तीसरी डिब्बी कैसे जोड़ेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे मैंने आपको पहली डिब्बी पूरी बनानी है, पूरा राउंड करना है, दूसरी डिब्बी में ऐसे ही आपने, यहाँ से मैं तीसरा चक्कर लगाते हुए गई हूँ, तीसरी रो में बनाते हुए गई हूँ और यहाँ पे जाके मैं, ये देखिए इतना मेरा बना नहीं हुआ है, तो अब मैं इसको जैसे पहले की तरह ये अब ऐसे कर दूँगी। और अब एक चैन लेने के बाद यहाँ ले रखी है मैंने फ्रेंड्स, और यहाँ पे कोने पे, यहाँ कोने पे मैं सिंगल क्रोशिया डाल के दो का एक कर दूँगी। तो फिर मैं एक की चैन लूँगी और यहाँ पे चार डालूँगी, क्योंकि ये हमारा बनने वाली वो है, हमारी राउंड ये बनेगा इस डिब्बी में। और एक चैन लेके, और पीछे वाली डिब्बी हमारी बनी हुई है तो अब इसमें क्या करना है, हमने खाली सिंगल क्रोशिया डालना है। और एक चैन लेने के बाद ये वाली जो हमारे आगे है इसमें हमने डबल क्रोशिया चलाना है, क्योंकि हमारा डिज़ाइन बनेगा इसमें। तो एक चैन लेके पीछे वाले में सिंगल क्रोशिया, जो हमारी जालियाँ दिखाई दे रही हैं उसी उन्हीं के अंदर डालना है हमने। और एक चैन लेनी है और डबल क्रोशिए से एक चैन लेनी है और पिछले वाले में सिंगल क्रोशिया, एक चैन लेनी है और अगले वाले में डबल क्रोशिए से बनाएंगे, एक चैन लेंगे फिर पिछले वाले में सिंगल क्रोशिए से, और एक चैन लेंगे और आगे वाले में डबल क्रोशिया, जो हमारा डिज़ाइन बनेगा वही
और फिर मैं पीछे वाले में फिर मैं चैन लेके आगे डबल क्रोशिया ये बनाते हुए जाऊंगी। बस आपने यही ध्यान रखना है इसमें कि आपने एक डिब्बी पूरी करनी है और दूसरी डिब्बी पूरी करने से पहले ही आपको जोड़ना है। तो मैं सिंगल से आगे पीछे वाली में सिंगल क्रोशी से और एक चैन लेके और डबल क्रोशिया लेके आगे वाले में फिर एक चैन लेके पीछे सिंगल क्रोशिया डालूंगी और चैन लेके और डबल क्रोशिया से चार बनाऊंगी यहाँ पे क्योंकि हम लास्ट में आ गए हैं। साथ साथ मैं आपको दिखाती जाऊंगी कि हम कैसे जोड़ रहे हैं। ये देखिए ये देखिए अब मैं बिल्कुल कोने पे आ गई हूँ। तो कोने पे हमने क्या करना है फ्रेंड्स, ये देखिए कोने पे क्या करना है, वही चार मैंने बना लिए और एक चैन ले लूँगी मैं एक सिंगल और जो हमारा ये दिखाई दे रहा है ये देखिए ये दिखाई दे रहा है मुझे। तो इसके अंदर मैं ऐसे करके देख लीजिए इसके अंदर मैं सिंगल क्रोशिया डाल के दो का एक कर दूंगी ऐसे और फिर सॉरी यहाँ ये दिखाई दे रहा है आपको ये देखिए यहाँ मैं क्रोशिया डाल के और दो का एक कर दूंगी और फिर एक चैन बनाऊंगी। और अब मैं ये देखो ये देखिए ये मेरा यहाँ पे जुड़ गया है और फिर एक चैन लेके और मैं यहाँ पे चार बनाऊंगी अब डबल क्रोशिए से तीन चार ये चार बनाए ये देखिए। अब फ्रेंड्स वही यहाँ तक बनाना है आपने, ये डिब्बी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं बना के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी ये डिब्बियाँ ऐसे जुड़ेंगी और लास्ट में आ गए हम, चौथी डिब्बी है हमारी। तो चौथी में क्या करना है फ्रेंड्स, हमने जो हमारा राउंड है जैसे मैंने इनमें बताया था आपको ये राउंड हमारा यहाँ से स्टार्ट है तो सिर्फ इसको ये लाइन और ये लाइन बनानी है बस। उस डिब्बी में हमने ये वाली भी बनाई थी यहाँ आके छोड़ा था। अब हमने क्या करना है, ये लाइन जहाँ से हमने शुरू किया ये और ये बस, क्योंकि ये देखिए मैं आपको यहाँ रख के दिखाती हूँ यहाँ से स्टार्ट होगा ये चीज़ पूरी बनेगी हमारी, ये चीज़ पूरी बनेगी यहाँ तक। तो हम इसके साथ इसको यहाँ के लास्ट में यहाँ आएंगे। तो फिर मैं आपको बता रही हूँ थोड़ा ध्यान से फ्रेंड्स देखना वीडियो को ताकि आपको जोड़ने में कोई दिक्कत ना आए। चार के बाद एक की चैन बनाऊंगी और फिर इस वाले कोने को सिंगल क्रोशिया डाल के दो का एक कर लूँगी फिर मैं एक चैन बनाऊंगी और यहाँ पे डबल क्रोशिया के साथ चार बनाऊंगी। और एक चैन बना के सिंगल क्रोशिया पीछे वाली डिब्बी में और एक चैन बना के डबल क्रोशिया आगे वाले में डिजाइन बनाते जाना है आगे वाले में और ऐसे ही सिंगल क्रोशिया से पीछे वाले में और डबल क्रोशिया से आगे वाले में और बीच में एक एक चैन लेके जानी है आपने। और पीछे वाले में सिंगल क्रोशिया और एक चैन और आगे वाले में डबल क्रोशिया से डिज़ाइन के ऊपर
पीछे वाले में सिंगल क्रोशिया ध्यान रखना आपने। और आगे वाले में डबल क्रोशिया से डिज़ाइन बनेगा और ऐसे ही इसके ऊपर ऊपर आते रहेंगे। और पीछे वाले में आपने बीच में डालना है ये ऐसे, यहाँ बीच में, और एक चैन और आगे डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर पीछे वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन, आगे वाले में फिर डबल क्रोशिया, और एक चैन, पीछे वाले में फिर सिंगल क्रोशिया और एक चैन, आगे वाले में। अब लास्ट में आ गए हैं तो यहाँ पे चार बनेंगे हमारे। यहाँ चार बने और एक चैन लेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ। ये अब हमारा बीच में आ गए हैं, ये देखिए। तो अब ये चीज़ हमारी यहाँ पे जुड़ेगी, ये मैं ध्यान से दिखा रही हूँ आपको, देखिए जो यहाँ है यहाँ पे जुड़ेगी अब ये वाली। तो मैं एक चैन ले ली है मैंने और आपको दिखा रही हूँ अच्छे से, ये देखिए। तो मैं यहाँ पे क्रोशिया डालूँगी सिंगल बीच में, चाहे आप नीचे से डाल लें ऐसे, और दो का एक कर देंगे, और फिर एक चैन लेके और मैं यहाँ पे जो हमारे चार रह गए हैं उसको बना लूँगी, एक दो तीन चार, चार बनाया और एक चैन ली। और अब हम पीछे वाले में सिंगल क्रोशिया से बिनेंगे, बाकी वही रिपीट करेंगे जो हमने डबल क्रोशिया से आगे वाले में बनाना है। ये देखिए हमारी ऐसे डिब्बी बनने के बाद, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा सेंटर आ गया जुड़ने के बाद, और ये हमारी चारों डिब्बियाँ ऐसे जुड़ेंगी। तो मैं आपको पूरा करके बताती हूँ। तो देखिए लास्ट में मैं यहाँ पे आ गई हूँ। अब यहाँ आप चार बना लें, ये देखिए कोने पे आ गई हूँ, यहाँ पे चार बनेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे चार बने हैं और मैं एक की चैन बना के और लास्ट में जो हमारा ये बचा हुआ पिछली वाली में तो सिंगल क्रोशिया से ऐसे जोड़ दूँगी और एक की चैन बना के सीधा कर लूँगी, ये देखिए। और फिर मैं डबल क्रोशिया से चार फिर बना लूँगी, चार बनाने के बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ तक बना लूँगी दो की चैन लेके, अपना डिज़ाइन पूरा कर लूँगी। देखिए दो की चैन लूँगी और लास्ट में सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ दूँगी और इसको धागे को काट दूँगी ऐसे, और ऐसे क्रोशिया डाल के धागे को निकाल लूँगी और बचे हुए धागे को काट लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरी ये डिब्बियाँ, तो ये देखिए मेरी डिब्बियाँ बनने के बाद ऐसे बीच में
ये जुड़ गई हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और आपने कुछ भी इसमें समझ नहीं आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जहाँ से समझ नहीं आएगा मैं दोबारा बताऊँगी आपको। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, और जो चैनल पे नए हैं, नए देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि मेरी कोई भी वीडियो, कोई भी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे डिज़ाइन लेके आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स।